तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है हमें। इसलिए हमारा भी फर्ज था कि हम तुम्हें ये बताएं कि सच क्या है। संस्कार, तुमने स्वरा से शादी कर ली। इसलिए तुम ये सब कर रही थी ना? यस, इसलिए तुम बड़े पापा को बड़े पापा कह रही थी, है ना? संस्कार, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बोलो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? संस्कार, लवमीनो, बोलो ना। कविता, संस्कार को लगा था कि शायद तुम इस दुनिया से, इस बात को बहुत लंबा अरसा हो चुका है ना। पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते। कविता, जो संस्कार और स्वरा की शादी ना मजबूरी में हुई थी। बात इतनी सी नहीं है सुजाता। सुजाता, हालात चाहे कैसे भी रहे हों, इन दोनों की शादी सच में हुई थी और पिछले 6 महीनों से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, लेकिन भाई साहब, इन दोनों का तलाक तो अब हो चुका है ना? I'm really sorry. मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं तुम्हें और फील नहीं कराना चाहती। मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी और संस्कार की शादी हो गई है? क्या तुम्हारी शादी मजबूरी में हुई है? तुम और संस्कार शादी करोगे, और वो भी अभी। मजबूरी में हुई है और अब तलाक हो चुका है ना? हम दोनों ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। थैंक गॉड, वरना संस्कार की शादी की बात सुन के मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है संस्कार, मैं जहाँ पे रहती थी ना, वहां पे एक खिड़की थी, और जब मैं कोमा से बाहर आई ना, तो मैं हमेशा उस खिड़की से बाहर देखती यही सोचती थी कि एक दिन तुम मुझे लेने आओगे। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें कब पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं, मगर हाँ, मुझे इतना विश्वास था कि हम दोबारा मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। उसी प्यार की वजह से आज मैं मौत से भी लड़के आ गई। संस्कार, मेरा प्यार जीत गया, मेरा विश्वास जीत गया। मजबूरी पे तुम्हारी शादी होना, फिर तुम्हारा तलाक होना, और फिर मेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आना, ये सब भगवान की ही तो साइंस है। हमारा प्यार सच्चा है, हम एक दूसरे के लिए बने, है ना संस्कार? संस्कार, बोलो ना कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो।
वो क्या जवाब देगा मुझे? मुझे तो डर लग रहा है अपनी बेटी के लिए। दूसरी बार कहीं अपना प्यार न खो दे। ये सब किस्मत का खेल है शेखर। उम्मीद करती होगी इस बार किस्मत हमारी बेटी का साथ दे। मेरा साल तो सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है ना मिस्टी, तुमने तो ऐसा ना हमारे लिए ऐसा क्यों? वो देखो शिकर, कहीं ना कहीं नया साल हमारी जिंदगी में भी खुशी लेकर आया है, कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद बाकी है। हमारे साथ चलिए लक्ष्य। लक्ष्य बहुत खून बह रहा है, चलिए हमारे साथ चलिए। बैठिए। थैंक यू लक्ष्य। लक्ष्य, हमने आपके साथ इतना कुछ किया फिर भी आपने हमारी जान क्यों बचाई? रागिनी, तुमने मुझे उस दिन खाई में गिरने से क्यों बचाया था? रागिनी, तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने भी तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी जान लेने की कोशिश करके अपना बदला ले लिया। फिर उसका हिसाब पूरा करने के लिए तुम यहाँ पर आए, पर अब बस रागिनी, मैं थक चुका हूँ लड़के। मैंने कहा ना रागिनी, बस प्लीज मेरी आंखों में देख के बोलो ना कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो। तुम बस मेरे संस्कार हो, कुछ बोल के नहीं रहे हो। हाँ हाँ कविता, मैं जैसा था मैं वैसा ही देखो। कविता देखो, ये बहुत ही नाजुक मामला है, इसे इतनी जल्दबाजी में ना। इस बात को जितनी जल्दी हो खत्म करते हैं ना। हो गया है ना हमारा तलाक। बड़े पापा, वो डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिए, कोर्ट में सबमिट भी हो चुके हैं, बहुत जल्द हो जाएगा डिवोर्स। सच में तुम इस फैमिली के लिए बहुत खास हो। मुझ में कुछ खास नहीं है कविता, ये लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, और देखना तुम्हें भी उतना ही प्यार देंगे जितना आज तक मुझे दिया है। थैंक यू सो मच इस फैमिली का ध्यान रखने के लिए। संस्कार की सबसे अच्छी दोस्त बनने के लिए और मुझे मेरे प्यार से मिलवाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। चलती हूँ, वो माँ बापा इंतजार कर रहे हैं मेरा। जी, मैं तो कहती हूँ जिज्जी, अभी इसी वक्त ना ये दोनों दादी और पोती को धक्के मार के जे घर से बस सुजाता, बस भी करो। मारे को समझ ना आ रहा है जिज्जी, क्यों मारे को समझ में ना आ रहा है जिज्जी, अब ये रागने की तरफदारी क्यों कर रहे हो? नहीं सुजाता, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे उससे कोई लगाव है। जैसा रागिनी ने हमारे साथ किया, अगर हम भी पलट कर उसके साथ वैसा ही करें तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा सुजाता? और वैसे भी मैं समझती हूँ कि शर्मिष्ठा जी ने जाते हुए उसे जो सीख दी है और हमने उसे जो आपकी चेतावनी दी है उसके बाद वो सुधरने की कोशिश जरूर करें। ना जीजी, मैं Thank you.
इतने साल हो गए, सच में कुछ नहीं बदला ना। ये क्या है? तुमने आज तक इसे संभाल के रखा है? तुम्हारी आखिरी निशानी थी, इसे कैसे खो सकता था मैं? संस्कार, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कविता, इतने सालों तक मैं ये सोच रहा था कि तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा चुकी हो, और आज तुम मेरे सामने हो, तो बस ये बात दिल को समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। संस्कार, तुम्हें याद है हमने शादी की एक रात पहले एक दूसरे से क्या वादा किया था? संस्कार, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अगर अगर कल कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा कविता, हम हमेशा साथ थे और साथ रहेंगे, हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तो जीवन साथी के तौर पर वो मुझे चुनेगा या कविता को, ये फैसला संस्कार को ही करना होगा। थैंक यू संस्कार, थैंक यू सो मच। तुम अपना वादा अब तक निभा रहे हो। संस्कार, अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। संस्कार, इस बार हम अलग हुए ना, तो कसम से मैं मर जाऊंगी, स्वरा को थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर वो नहीं होती ना, तो मैं फिर से तुमसे कभी नहीं मिल पाती। अरे माँ, कुछ नहीं माँ, बस मैं कल की तैयारियां कर रही हूँ। तूने खाना भी नहीं खाया बेटा, कम से कम दूध तो पी ले। ऐसे क्या है कल? किस चीज की तैयारी कर रही है माँ? वो बाबा ने बताया कि कल रागिनी की माँ, मतलब जानकी माँ की बरसी है, तो बस मैंने सोचा कि मैं खुद ही पूजा की तैयारियां करती हूँ। माम, मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है, उन्होंने मुझे कहा है कि ये सब कुछ तैयार। सुना, क्या कर रही है तू ये सब?
माँ मैंने बताया ना आपको। क्या हुआ माँ? तो क्यों ठीक होने का ढोंग कर रही? वो भी अपने माँ बाप से जो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी क्या हालत है। पापा माँ मैं ठीक हूँ। तो ये कहना चाहती है कि संस्कार और कविता के एक होने से मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है। तकदीर का क्या भरोसा है? तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम दोनों का साथ ना होना तुम्हारी तकदीर में लिखा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारी माँ और मेरी शादी अलग अलग हो जाने के बाद क्या आज हम दोनों एक होते? फिलहाल मैं कल की तैयारियां कर लेती हूँ। माँ हम पहली बार इस बरसी का हिस्सा होंगे। चाहती हूँ कि इस बरसी में रागिनी को जानकी माँ का आशीर्वाद मिले और उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। बाबा ये रागिनी नहीं चाहिए मुझे, जिसे जिंदगी ने इतना बदल दिया है। पुरानी रागिनी वापस चाहिए। हेलो चोट को ऐसे खुला मत छोड़ो, तुम्हारी नेक पर चोट लगी। लक्षा जो कुछ भी हुआ आज ही नहीं, इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो कभी नहीं होता। अगर हमारी सगाई नहीं तो हमारे रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर देता तो शायद अगर मैं वो करता तो ये सब नहीं होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम
कोई काम है कविता? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? ना ना छोरी, इसकी क्या जरूरत है, तू जाना जाके आराम कर। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं अंदर जाके आराम करूँ। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की मदद करूँ। नहीं कविता, चाची ये सही कह रही, तुम्हें इस वक्त काम करने की जरूरत नहीं। माँ, चाची जी उतरा, आप तीनों भी जाओ आराम करो। आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं। संतोष भैया जी मैम, आज से घर की साफ सफाई आप करेंगे और शांति बाई को कह दीजिए कि माँ और चाची जी से पूछकर आज का खाना बना दें। माँ, हम बाड़ी जा रहे हैं, आज हमारी माँ की बरसी है। रागिनी, मुझे तो लगा था कल जो फंक्शन में आई थी वो तुम्हारी माँ थी। वो हमारी और स्वरा की माँ है, ये हमारी अपनी माँ की बरसी है। क्या हुआ था तुम्हारी माँ को? जब हम बहुत छोटे थे तब वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। जी जी जी, कविता के आने के बाद तो आपको ना लग रहा है कि हम लोग की किस्मत ही जैसे खुल गई हो। कितने प्यार से बात कर रही थी रागिनी। कविता के आने के बाद सब कुछ बदल सा गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कविता को यहाँ लाया कौन? मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कने नहीं बंद, तुम मेरी तरफ देखती हो तो तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं आता। यही बात तुम मेरी तरफ देखकर कहो स्वरा। जरूर सुनती संस्कार, पर इस सच का क्या कि तुम कविता से प्यार करते थे। वो प्यार, वो रिश्ता अतीत है संस्कार। इसे समझ कर बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलता है, और तुम उनमें से एक हो। कविता के पास तुम्हारे अलावा उस वक्त भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं है। इस्वारा, मैं तुम सब है। बहुत मुश्किल से हम दोनों ने अपने आप को संभाला, कुछ भी कहकर मुझे कमजोर मत कर। ठीक है, क्या चाहती हूँ? कविता के हालात को समझो संस्कार, वो पहला प्यार है तुम्हारा, तुम्हारे भरोसे वो यहाँ तक आई है। जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना। मैं क्या सोचती हूँ, कविता क्या सोचती है, दुनिया क्या सोचती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तुम क्या चाहते हो ये डिसाइड करना है तुम्हें। ना जिज्जी, मैं स्वरा से कुछ ना छीन रही हूँ। जिज्जी, मैं मानती हूँ कि स्वरा ने हमारे परिवार के लिए जो भी किया है उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर ना उतार पाऊंगी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है सुजाता, संस्कार स्वरा से प्यार भी तो करता है। संस्कार कविता से भी तो प्यार करता है ना जिज्जी। आज उसी छोरी की वजह से मारा छोरा इतने साल पहले हम सबसे नाराज होकर जो घर छोड़कर चला गया था। चलो मैं मानती हूँ जिज्जी की उस वक्त हम लोग की सोच दूसरी थी, पर आज तो हमारी सोच बदल गई है ना। नहीं सुजाता, हमारी सोच बदली किस स्वरा ने? आज अगर एक बार के लिए हम ये सोच भी रहे हैं कि हमें कविता को अपनाना चाहिए तो ये सब स्वरा की वजह से।
हाँ जीजी, मैं मानती हूँ कि जो आप कह रहे हो वो एकदम सही, पर सच ये भी तो है ना जीजी कि संस्कार कविता से भी तो प्यार करता था, और अब जब कविता वापस आ गई है और ये दोनों छोरा छोरी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मैं पीछे ना हटूंगी जीजी। कविता हमारे छोरे का पहला प्यार थी जीजी। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि स्वरा और संस्कार का रिश्ता ज्यादा परिपक्व है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ तब थामा था जब उन दोनों के साथ कोई नहीं था। असली मायनों में ये दोनों ही एक दूसरे के जीवन साथी हैं। बाकी जैसे संस्कार को ठीक लगे। हरे को अगर हमारी इतनी चिंता थी तो तू यहां होती हमारे पास, पोती के ससुराल में जाकर सबके साथ दुर्व्यवहार ना कर रही होती। हरे को क्या लगा हमारे को कुछ भी पता ना? शेखर ने हमारे को सब कुछ बता दिया है। बरसी का वक्त हो गया है, रागनी ना आई अभी तक। आजा लाडो। बाबा ने बताया कि हर साल जानकी माँ की फोटो पर हार तुम्हें चढ़ाती हो। इस सब के लिए थैंक यू सोरा। पूजा शुरू करते हैं।